ओ माय गॉड, क्या ट्रेलर है दोस्तों। बाप रे। मुझे नहीं, आपको भी पता है, ट्रेलर कॉपी पेस्ट किया गया है, वो भी गुजराती मूवी वंश का, और ये ऑफिशियल रिमेक है, तो क्या बात कर रहे इस पर दोस्तों। दोस्तों मुझे एक बात बताओ, दृश्यम जैसी मूवी कॉपी पेस्ट होकर हिट हो सकती है, तो ये क्यों नहीं हो सकती। लोगों ने वंश मूवी नहीं देखी होंगी, तो उन सब के लिए ये फ्रेश मूवी होंगी। तो आइए आज हम बात करते हैं शैतान के ट्रेलर पर। दोस्तों जब बात आपके परिवार पर आए तो हर कोई शैतान से लड़ जाएगा, सही कहा ना। अजय देवगन की फिल्म शैतान का नया पोस्टर भी रिलीज हो चुका है। एक्टर अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म है शैतान, और उसका फर्स्ट लुक भी दर्शकों के सामने आ चुका है। इस पोस्टर में अजय देवगन काफी इंटेंस लुक में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि फैंस इस हॉरर थ्रिलर फिल्म का बड़े ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि कुछ ऐसे किरदार में अजय देवगन को काफी लंबे समय के बाद या फिर कहे पहली बार सभी को देखने को मिलने वाले हैं। वही नए पोस्टर देख फैंस का एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ चुका है। दरअसल आपको बता दें कि अजय देवगन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से फिल्म का एक पोस्टर शेयर किया है, और पोस्टर में आप देख सकते हैं कि अजय देवगन बहुत ही टेंशन में नजर आ रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि अजय देवगन ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, जब बात अपने परिवार पर आए तब हर कोई शैतान से लड़ जाएगा। दोस्तों 2 मिनट और 26 सेकंड का ट्रेलर है, जहां एक घर में आया है अननोन मेहमान जो इविल इरादे से आया है और वशीकरण जानता है, और वो उस घर की बेटी पर चलाता है अपने वशीकरण का जादू, और जो होगा इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा। फिल्म का म्यूजिक काफी ज्यादा हंटेड है, जो थीम के साथ अच्छे से ब्लेंड हो रहा है, और बेसिकली ये सुपर नेचुरल हॉरर थ्रिलर फिल्म होंगी। बेसिक सी बात है एंड कॉमन सेंस भी है कि इस मूवी को फिक्शनल स्टोरी के हिसाब से देखना है। दोस्तों आपको बता दें कि पूरी फिल्म 90% सिर्फ एक घर में शूट हुई है, और एंड कुछ पोर्शन में आप देखोगे कि लोग जंगल में और एक प्लेस में जहां इक्वल शक्तियों का जागरूक वागरूक करने का काम चल रहा है, बहुत सारे लोग है, तो कास्टिंग सबसे पहले तो बढ़िया है, बट लोकेशन ज्यादा ना होने के कारण इसका बजट भी ज्यादा नहीं है, बस 100 करोड़ के आसपास, ओनली 100 करोड़, क्योंकि कास्ट ने ही आधा पैसा ले लिया होगा। दोस्तों वही पोस्टर की बात करें तो उसमें अजय देवगन की आंखों में शैतान का डर अलग नजर आ रहा है। आपको बता दें कि अजय देवगन की ये फिल्म 8 मार्च को सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही है। वही अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आखिरकार क्या रहने वाला है। इसी के साथ आपको बता दें कि अजय देवगन की इस हॉरर थ्रिलर फिल्म में वो आर माधवन तंत्र मंत्र करने वाले शैतान के किरदार में अजय देवगन के साथ नजर आएंगे, जिनका टकराव इस फिल्म में हम सभी को देखने को मिलेगा। इसी के साथ फिल्म में शैतान में अजय देवगन और आर माधवन के अलावा भी साउथ की बहुत ही मशहूर समस्त एक्ट्रेस ज्योति का भी इस फिल्म में हम सभी को काफी अहम किरदार की भूमिका में नजर आएंगी। तो दोस्तों अब तक की अजय देवगन की मोस्ट हॉरर थ्रिलर फिल्म बताई जा रही है, फिलहाल 8 मार्च को रिलीज होने वाली है। दोस्तों आपने तो ट्रेलर देख ही लिया होगा, तो अजय देवगन के इस मच अवेटेड हॉरर फिल्म को देखने के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है ये हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। मैं फिर मिलूंगा अगले वीडियो में बॉलीवुड का तड़का लगाने के लिए। तब तक वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ताकि आपको इसी तरह के अपडेट्स मिलते रहे। धन्यवाद।